राजनीति में जाने का कोई एक तरीका नहीं है, आपको पहले आप चूज कर सकते हैं आपको क्या तरीका आजमाना है। बहुत सारे लोग हैं जो सोशल एक्टिविस्ट होते हैं, अपने इलाके का कोई भी मुद्दा उठाते हैं, उसमें मेहनत करते रहते हैं, एनवायरनमेंट हो गया या कुछ हो गया, देन आप अप्रोच करते हैं किसी वहाँ के, आप MLA को अप्रोच करें, वहाँ के MP को अप्रोच करें। आप एक बार में नहीं कर पाएंगे, धीरे धीरे ग्राउंड लेवल वर्कर्स से आप मिलें, उनसे बात करें, उनको आपका काम अच्छा लगेगा, देन यू कैन एसोसिएट वो पार्टी से। अगर आपको इंडिपेंडेंटली करना है तो उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, या तो अगर आप चाहते हैं, यूथ पार्लियामेंट भी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। जैसे हम लोग जाते हैं वहाँ पर तो ज़्यादातर लोग को पॉलिटिशियन बनना होता है या तो उनको UPSC करना होता है, और उसके लिए वो आते हैं वो वैलिडेशन के लिए कि नहीं यार हमने काबिलियत है, हम एक वक्ता तो आपको होना ही पड़ेगा अगर आपको नेता बनना है। ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, अगर आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। जी जी, उससे पहले आप ग्राउंड लेवल वर्क चालू कर दीजिए, टिकट मिलने में इतना टाइम लग जाता है, एकदम 25 होते ही टिकट नहीं मिल जाता, आपको पहले प्रूफ करना पड़ेगा, और बहुत सारे हर्डल्स होते हैं, बहुत सारी स्कीमिंग, स्पॉटिंग, हर चीज़ को आपको क्रॉस करना पड़ेगा, इट्स नॉट वेरी इजी, लेकिन आपको ग्राउंड में उतरना पड़ेगा, पब्लिक के बीच में जाना पड़ेगा। देखिए, एक नेता कौन होता है, एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कौन होता है, जिसके पास पब्लिक का सपोर्ट है। तो पब्लिक का सपोर्ट आपको एक दिन नहीं मिल जाएगा, वो सालों की मेहनत है। आप अपने इलाके के लोगों से मिलिए, उनसे बात करिए, उनकी हेल्प करिए, अगर किसी सोशल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ना है जुड़ जाइए, बट लोगों को कनेक्ट करिए, वो आपसे रिलेट कर पाए, वो आपको जान पाए, तभी वो आपको वोट करेंगे, समझ रहे हैं? उनके मुद्दे को समझिए, वो सालों लगते हैं इसमें।